हमारा कान तीन पार्ट से मिलकर बना होता है जो कि मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव्स को प्रोसेस करते हैं। ये तीन पार्ट्स आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर हैं। अब ये जो इनर एयर है जिसे हम हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करते हैं। देखिए, साउंड वेव्स जब हमारे एयर में इंटर होती है तो ये हमारे एयर ड्रम्स में वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। ये वाइब्रेशंस फिर हमारे मिडल एयर में प्रेजेंट टाइनी बोन से होते हुए हमारे कोक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती है जिसमें टाइनी हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये वाइब्रेशंस इस फ्लूइड और इन छोटे छोटे हेयर सेल्स में से पास होते हैं। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट करते हैं जिनको फिर हमारे ब्रेन की तरफ भेजा जाता है और यूं हम सुनते हैं। जब हम हाई वॉल्यूम में किसी साउंड को सुनते हैं तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कोक्लिया में प्रेजेंट हेयर सेल्स तेजी से मूव करने लगते हैं। अगर हम कंटीन्यूअसली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को सुनते रहें तो हमारे कोक्लिया में प्रेजेंट ये टाइनी हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं जो कि हियरिंग लॉस का सबब बन सकता है। अब यहाँ आपको बताता चलूं कि हमारे कान 70 dB तक की साउंड वेव्स को सेफली सुन पाते हैं। 60/60 मिनट रूल को अपना करके हम सेफली अपने कानों को किसी भी किस्म का डैमेज पहुंचाए बगैर एयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप एयरबड्स इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और इसके अलावा एयरबड्स को कंटीन्यूअसली 60 मिनट से ज्यादा यूज